आज के दौर में लगभग सभी के पास लैपटॉप होता ही है, चाहे वो गेमिंग लैपटॉप हो या कंपनी से काम के लिए मिला लैपटॉप, कॉलेज वर्क के लिए पेरेंट्स से जिद करके खरीदवाया हुआ लैपटॉप हो या ऐसे ही घर पर पड़े बड़ी दीदी भैया का लैपटॉप। आज लैपटॉप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब किसी के घर कंप्यूटर तक नहीं रहता था। एक मोहल्ले में किसी एक हायर में कोई कंप्यूटर या फिर बगल का कोई एक साइबर कैफे हुआ करते थे और फिर सारे बच्चे उधर की ओर ही रुख कर लेते थे। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर शहरों और गांवों के लगभग हर घर में आने लगे और उसके बाद आया उसका कॉम्पैक्ट वर्जन लैपटॉप। तो दुनिया को कॉम्पैक्ट साइज लैपटॉप से रूबरू करवाने वाली कंपनी थी HP, जिसका लैपटॉप बैग में फिट हो जाने के कारण लोगों के साथ साथ रहने लगा। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उसी लैपटॉप और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी HP की और जानेंगे कैसे गैराज से शुरू हुई इस कंपनी ने आज बुलंदियां हासिल की है। दोस्तों ये लोगो देखिए, इस लोगो से आज के टाइम पर आप सभी का वास्ता हुआ ही होगा। ये उस अमेरिकन मल्टीनेशनल IT कंपनी HP का लोगो है जो आज लगभग पूरी दुनिया पर राज कर रही है। लेकिन कैसे दोस्तों, HP का इतिहास जानकर आपको हैरानी जरूर होगी, कैसे इतनी छोटी सी जगह से शुरू हुई कंपनी इतना बड़ा ब्रांड बन गई। तो बात है 1938 की, जब कैलिफोर्निया के प्लो एल्टो में एक किराए के गैराज में दो दोस्त बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसे नाम दिया HP। दोनों ही दोस्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मात्र $538 से उन्होंने अपने बिजनेस यानी HP की शुरुआत की। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे HP का नामकरण कैसे हुआ, तो इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल दोस्तों, जब बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड ने कंपनी शुरू करने की सोची, तब कंपनी का अच्छा सा नाम रखना उन्होंने जरूरी समझा, जो कैची भी हो और आसान भी हो। तब इन्होंने फैसला किया दोनों के सरनेम का फर्स्ट लेटर कंपनी का नाम होगा, यानी अब दो ऑप्शन थे PH और HP। तब इन्होंने एक सिक्का उछाला और हेड और टेल करना सही समझा और ये शर्त रखी, जो इस गेम में जीतेगा उसके सरनेम का फर्स्ट लेटर पहले आएगा। और जैसा कि आज कंपनी का नाम HP है, तो इसलिए ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि उस वक्त बिल ह्यूलेट जीत गए और इसे इस कंपनी का नाम रख दिया गया। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर सोच में जरूर पड़ जाएंगे, जिस HP को आज हम उसके कंप्यूटर्स और लैपटॉप के लिए जानते हैं, उसका पहला प्रोडक्ट कोई कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं था, वो था ऑडियो ऑसिलेटर, जो उनके बिजनेस की सफल शुरुआत थी। लेकिन ये सफलता भी उन्हें बहुत सारी असफलताओं के बाद हासिल हुई थी और ये शानदार शुरुआत इन्होंने अपनी स्मार्टनेस और मार्केट की मांग देखते हुए की, क्योंकि उस वक्त मार्केट में बिकने वाले सभी ऑसिलेटर लगभग $200 के आसपास की कीमत के होते थे। लेकिन जब HP ने अपना ऑडियो ऑसिलेटर मार्केट में उतारा तो ये सिर्फ $90 का था, जिसके साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बाकी महंगे ऑसिलेटर से बहुत बेहतर थी। अब आप कहेंगे ये ऑडियो ऑसिलेटर क्या है, तो दरअसल ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल ऑडियो क्वालिटी चेक करने के लिए किया जाता है और HP के ऑडियो ऑसिलेटर काफी किफायती और बेहतर थे। इसलिए जैसे ही मार्केट में इनका प्रोडक्ट आया, तब लगभग सभी तरह से इनका ऑसिलेटर बेहतर साबित हुआ और इनकी अच्छी खासी सेल भी हो गई। साथ ही साथ सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि इनके सबसे पहले ग्राहक वॉल्ट डिज्नी थे और इनके बारे में कौन नहीं जानता। इन्होंने HP के 8 ऑडियो ऑसिलेटर खरीदे थे। इसके बाद HP रुकी नहीं, वक्त के साथ साथ और कस्टमर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोची और 60 के दशक में सोनी और योकोगावा के साथ मिलकर इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत ज्यादा होने के कारण इन्हें इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई, जिसके बाद 1963 में सोनी से अलग होकर HP ने योकोगावा से मिलकर जापान में अपने प्रोडक्ट्स की खूब बिक्री की और यहाँ से शुरू हुआ इंटरनेशनल मार्केट में HP का सफर। जैसा कि आज हम सब HP को उसके कंप्यूटर लैपटॉप और प्रिंटर्स के लिए जानते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में HP ने 1968 में कदम रखा था। इसके साथ HP का सफर कंप्यूटर्स की दुनिया में शुरू हो गया। 1968 HP ने दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर लॉन्च किया, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ साथ एक के बाद एक HP ने दुनिया को कंप्यूटर के क्षेत्र में वो सारी संभावनाएं दी जिनकी कल्पना भी शायद मुमकिन नहीं थी।
इसके बाद एचपी ने ही दुनिया का पहला साइंटिफिक कैलकुलेटर एचपी 35 दिया। साथ ही साथ 1972 में दुनिया को सबसे पहला डेस्कटॉप कैलकुलेटर और पहला पॉकेट साइज कैलकुलेटर भी एचपी ने ही दिया था। लगातार इस क्षेत्र में सफलता के बाद 90 के दशक में एचपी ने अपनी सारी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा एचपी के जितने अलग अलग प्रोडक्ट्स थे उन्होंने दोनों को अलग कर दिया, जिसके कारण 1999 में एचपी कंप्यूटर और एजिलेंट टेक्नोलॉजी के नाम से दो अलग कंपनियों की स्थापना हुई। इसके बाद इन्होंने बेहतरीन तरीके की कंप्यूटर की सीरीज कंप्यूटर की दुनिया में पेश की। 2008 से लेकर 2013 तक एचपी ने कंप्यूटर्स की दुनिया में राज किया, लेकिन 2013 में इसे टक्कर देने लिनोवो आ गई और एचपी की पहली पोजीशन को हासिल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने अपनी क्वालिटी और प्रोडक्ट की बेहतरी में काम किया और वापस अपनी जगह हासिल की। लेकिन सन 2010 में एचपी को भारी नुकसान देखना पड़ा, क्योंकि उस वक्त एचपी के सीईओ मार्क हर्ड पर यौन शोषण का आरोप लगा, जिसके कारण कंपनी के शेयर गिरने लगे और कंपनी को लगभग $9 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ 2011 में कंपनी के 40% शेयर में गिरावट आई, जिसके कारण कंपनी को $3 बिलियन का भारी नुकसान हुआ। इसके बावजूद भी कंपनी ने अपनी ग्रोथ और क्वालिटी पर वर्क किया और मार्केट में वापस अपनी जगह हासिल की। और साल 2015 के आंकड़ों के अनुसार एचपी का रेवेन्यू लगभग $2 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स का है। और आज एचपी दुनिया की लीडिंग कंप्यूटर कंपनीज में से एक है। साथ ही साथ जिस गैराज में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी उसे आज म्यूजियम में बदल दिया गया है। और क्या आपको पता है, अगर एचपी नहीं होती तो शायद आज आप एप्पल जैसा ब्रांड नहीं यूज कर रहे होते, क्योंकि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स जब 12 साल के थे तब वो हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनके पास न टेक्नोलॉजी थी न रिसोर्सेस। तब स्टीव जॉब्स ने एचपी में इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखा और उस लेटर से एचपी के सीईओ काफी इंप्रेस हुए और उन्हें एक इंटर्न के रूप में रख लिया, जिसके कारण स्टीव को अपने गोल अचीव करने का मौका मिल गया और आज हमारे सामने एप्पल जैसी शानदार कंपनी खड़ी कर दी। आपने रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर फोटोकॉपी की शॉप पर या किसी भी साइबर कैफे में एचपी के प्रिंटर्स जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है एचपी अपने प्रिंटर्स के लगभग जितने प्लास्टिक वाले पार्ट्स होते हैं वो खुद के 3D प्रिंटर से बनाते हैं, है ना हैरानी वाली बात। तो दोस्तों, ये थी एचपी की कहानी, कैसे एक छोटे से किराए की गैराज से शुरू हुई कंपनी आज दुनिया की लीडिंग ब्रांड्स में से एक बन गई। कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर देना। साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन तो दबा ही दो, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।